ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد

और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है हालांकि वो दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कट्टर है और जब उठकर जाता है तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो उसमें फसाद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ कर तो नख़बत उसको गुनाह पर और आमादा कर देती है चुनाच ऐसे शख्स को तो जहन्नम ही रास आएगी और यकीन करो वो बहुत बुरा बिछौना है और दूसरी तरफ लोगों में वो शख़्स भी है जो अल्लाह के हशनुदी के खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है पिछली आयत में अल्लाह तबारक वताल ने जिक्र किया था कि हज के दौरान जो लोग दुआएं मांगते हैं उनमें कुछ लोग तो वो हैं जो सिर्फ दुनिया ही की खातिर दुआएं मांगते हैं और आम तौर से ये वो लोग हैं जो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते जैसे काफ़िर लोग थे और दूसरी कस्म उन लोगों की बयान फरमाई थी जो दुनिया की भी भलाई चाहते हैं और आखिरत की भी भलाई चाहते हैं और दोनों की दुआएं मांगते हैं तो उसी मुनासबत से आगे अल्लाह तबारक व ताली ने इंसानों की भी दो दोस्में बयान फरमाई हैं एक किस्म वो है जो मुनाफिक है क्योंकि उसको आखिरत का कोई ध्यान नहीं आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं लिहाजा न सिर्फ ये कि वो कुफर कुफ्रख्ती किए हुए है बल्कि निफाक का मामला करता है कि दिखावे में वो दिखाना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ या बहुत अच्छा आदमी हूँ लेकिन हकीकत में अंदर उसके कुफ़र भरा हुआ होता है और वो फिर बिल आखिर ये भी करता है कि लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाता है दुनिया के अंदर फसाद फैलाता है इसी कस्म का एक वाक़ रिवायात में आता है कि एक शख्स था जिसका नाम अखनस इबन शरीक था वो मदीना मनवरा आया था और उसने आ हज़रत सल्हु वसम के पास आकर बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें की थी और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने ईमान लाने का इजहार किया था लेकिन जब वापस गया तो रास्ते में मुसलमानों की खेतियां जला दी और उनके मवेशियों को वबह कर डाला ये आयत इसी पस मंज़र में नाजिल हुई थी अलबत्त अपने अल्फाज के अमूम के लिहाज से ये हर किस्म के मुनाफिकों पर पूरी उतरती हैं चुनाच तो फरमायावमन नास यानी लोगों में से एक वो भी है मैं यकूल मैं अजुबों का कवल हूँ फ़िलहत दुनिया के जिसकी बातें दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं यानी बातें उसकी बड़ी आला दर्जे की हैं और बड़ी फ़सात बलागत से गुफ्तु करता है और दुनियावी गरज़ ही की खातिर वो अल्लाह तबारक व तसूल सल्ला व्म के सामने अपनी फसाहत व बलागत का मुजाहरा करता है वही शाफी कल भी और वह अल्लाह को भी गवाह बनाता है उस बात पर जो उसके दिल में है यानी कहता है जो मैं मैं कह रहा हूँ मेरे दिल की बात है और मैं अल्लाह को गवाह बना कर ये कह रहा हूँ हालाँकि वहूआल्खसाम हालाँकि वह दुश्मनों में तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कट्टर है वह हकीकत में बड़ा दुश्मन है लेकिन ज़ाहिर में आकर आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है वो इज़ा इज़ातवल्ला और जब उठकर जाता है तो साआिल अर्ज लियुफाफिया तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि उसमें फसाद बचाए व युहली कल हर सवन नस्ल और फ़सलें और नस्लें तबाह करे वह हब्बुलफसाद और अल्लाह तबारक वाली फसाद को पसंद नहीं करता तो इस शख़्स की इस कैफियत को अल्लाह तबारक व तै ने ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया कि मुनाफिकीन का हाल ये होता है कि वो ज़बान से तो उनकी बातें बड़ी अली दर्जे की नज़र आती हैं लेकिन अंदर से उनके कुफर भरा हुआ होता है और वो ईमान नहीं रखते तो उनकी सबसे बड़ी ख़राबी तो यह है कि हकीक़त में ईमान नहीं रखते और जाहिर यह करते हैं कि हम ईमान ले आएँ और दूसरी खराबी उनकी जो बयान फरमाई है वो ये कि वो ज़मीन में फसाद मचाते हैं और हर्ष कहते हैं खेती को और नस्ल कहते हैं इंसानी नस्ल को इंसानी नस्ल को भी और मवेशियों की नस्ल को भी तो वो खेतियों को भी तबाह करते हैं और नस्ल को भी तबाह करते हैं तो इसमें इशारा फरमा दिया इस बात की तरफ कि जिस तरह अल्लाह तबारक व ताली पर ईमान लाना ज़रूरी है उसी तरह बेगुनाह किसी की जान लेना चाहे वो इंसान हो या जानवर और चाहे वो खेती हो या बाग, उसको बिलावजा उजाड़ना ये फसाद फिल अर्ज़ है ज़मीन के अंदर फसाद फैलाना है और अल्लाह सबारक वाले इसको किसी भी तरह पसंद नहीं फरमाते फिर आगे फरमाया कि बाज़ लोग तो वो होते हैं कि अगर उनको कोई गलती पर मुतनब करे तो अपनी गलती वो तस्लीम कर लेते हैं अपने असलाह के बारे में कुछ बेहतर कलमात कहते हैं कि हम अपने आइंदा असलाह करेंगे अपने असलाह का इरादा जाहिर करते हैं पर आमादा होते हैं लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनके सामने कितने ही वाजो नसीहत कर ली जाए और कितने ही महबूबाना अंदाज में उनसे बात कर ली जाए लेकिन वो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय अपनी गलती पर अड़े रहते हैं तो फरमाए व इज़ाकि इतकल्ला के जब उससे कहा जाता है कि तुम अल्लाह का खौफ करो अल्लाह से डरो तो इज़्ज़तु बिल इस्म। तो उसके दिल में अपनी जो इज्जत है यानी नखबत जिसको हम उर्दू में कहते हैं वह जो नख्वत उसके दिल में है यानी जो तकबुर भरा हुआ है उसके दिल के अंदर उसमें उसको अपनी अच्छाई का जो घमंड है वो उसको गुनाह पर और आमादा कर देती है यानी बजाय इसके कि वो गलती को तस्लीम करे अल्लाह बचाए वो नकबत उसको आमादा कर देती है कि वो मजीद गुनाहों का इतकब करे तो अल्लाह तबारक ताल फरमाते हैं कि फासबहू जहन्नम चुनाचे ऐसे शख्स को, को तो जहन्नम ही रास आएगी लफ्जी माना यह होंगे कि उसके लिए जहन्नम काफ़ी है यानी जो अल्लाह तबारक व ताल जब उसको जहन्नम में डालेंगे तो सब पता चल जाएगा कि उसकी इज़्ज़त क्या थी और नखबत क्या थी और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलमिहात और यकीन करो कि वो यानी दो जख् बहुत बुरा बिछौना है जिस पर कोई शख्स जा कर लेटे इस आयत करीमा में हम सबको जो सबक मिलता है वो ये कि इंसान इस दुनिया में आया है तो उससे ग़लतियाँ भी होती हैं और गुनाह भी सरजद हो जाते हैं लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो तंबी करने के बाद और मुतनब्बे होने के बाद अपनी ग़लती को तस्लीम कर ले और तस्लीम करके उसकी असलाह की फिक्र करें वो शख़्स बहुत अल्लाह ताला को मफगूज़ है कि जो अपनी ग़लती समझ में आ जाने के बावजूद उस पर अड़ा रहे और सीना जोरी करे चुनाचे हदीस में फ़रमाया गया कि कुल्लु बनी आदम खता हर इंसान खताकार है व खैर तवाबून और खता करने वालों में सबसे बेहतर वो हैं जो कि तोबा कर लेते हैं और अल्लाह ताला तरफ रुजू करते हैं तो सबक ये दे रहा है कुरान करीम के उस शख्स की तरह ना होना कि जो फसाद भी मचाता है और जब उसकी ग़लती पर मुतन किया जाता है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता बल्कि नखबत में मुबला होकर मजीद गुनाह गरतक करने लगता है अल्लाह ताला से अंजाम से हर मुसलमान को महफूज रखे फिर इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक तारा ने अगली आयत में मुखलिस मुमिन का हाल जिक्र किया है और फरमाए वमिनन्नासी मंशरी नफ़ सहबा अमरगल्ला और लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है अपनी जान बेच देता है अल्लाह तबारक व ताली के दीन के लिए और अपनी जान का सौदा करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है व्हरूफ़ बलबाद और अल्लाह ऐसे बंदों पर बहुत मेहरबान है ये क़ुर करीम का उसलूब है कि वो एक ूमी अंदाज में खिताब फरमाता है और अंदाज़ में लोगों का ज़िक्र करता है लेकिन मुफसरिन ने बयान किया है कि यह आयात मतदिद साहब कराम के बारे में नाजिल हुई हैं जिन्होंने अपनी जान का सौदा ईमान से किया और उनमें एक नुमाया व्य हज़रत सहैब रूमी रजी अल्लाह तन का है कि जब वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मनवरा के लिए रवाना हुए तो रास्ते में कुफ़ार क्रैश की एक बड़ी जमात ने उनका रास्ता रोक लिया ये देख कर हज़रत सहाब रूमी रजी अल्लान अपनी सवारी से उतर कर खड़े हो गए और उनके तिरकश में जितने तीर थे सब निकाल लिए और क्रैश की उस जमात से ख़िताब करके फरमाया कि ए कबीर क्रैश तुम सब जानते हो कि मैं तीर अंदाजी में तुम सबसे ज्यादा माहिर हूं मेरा तीर कभी खता नहीं जाता और अब मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि तुम मेरे पास उस वक्त तक नहीं पहुँच सकोगे जब तक मेरे तिरकश में एक तीर भी बाकी है और जब तीर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं फिर तलवार से काम लूँगा जब तक मुझ में दम रहेगा तुमसे लड़ता रहूँगा फिर जो तुम चाहो कर लेना लेकिन अगर तुम अपने नफे का सौदा चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने माल का पता देता हूँ जो मैं मक्का मकर में छोड़ कर आया हूँ वो फला जगह पर रखा हुआ है तुम वो माल ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीरा मनवर पहुँच सकूँ इस पर कुरश की जमात राज़ी हो गई और हजरत सहाब रूमी रजी अल्लाह तन ने सही सालम सरकार दोल्ला वल्म की खिदमत पर पहुँच कर ये सारा वाक़ सुनाया तो उस पर नबी करीम सल्लाम ने दो मरतबा ये जुमला फ़रमाया कि रबा रब याहया रबलबा याहया कबू या तुम्हारा ब्यौपार बड़ा नफा बख्श रहा यानि उन्होंने जो अपना माल उनको दे और हजरत का अपना रास्ता पूरा किया और मदीन मनवरा पहुँचे तो इस को आपने फ़रमाया कि तुम्हारी बह बहुत नफा साबित हुई तो हज़रत नबी करीम अलैहि वसल्लम के इस इशाद के बाद कहते हैं कि यह आयत करीमा नाजिल हुई थी और बाद हज़रत मुफरीन ने कुछ दूसरे साहब कराम के भी ऐसे ही वाक़ बयान किए हैं बहरहाल कुरान करीम का उसलूब यह है कि वो एक अमूमी अंदाज इख्तियार करता है और इससे मुराद वो लोग हैं कि जो अल्लाह तबारक व के हाथों अपनी जान बेच चुके यानी उन्होंने जन्नत के इवज़ अपनी जान का सौदा कर लिया कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं और जन्नत अल्लाह तबारक व की रजा का मजहर है हम उसके तलबगार हैं उसके लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं और अगर माल खर्च करना पड़े तो माल खर्च करने के लिए भी तैयार हैं उनकी तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि वमिन मंगशरी नफ्स हो और दूसरी तरफ लोगों में वो शख्स भी हैं जो यशरी नफ्स अपनी जान का सौदा कर लेता है अपनी तो जान को बेच देता है और किसे बेच देता है इब्त अमर अल्लाह की खुशनुदी के खातिर तो ऐसे लोगों के ऊपर वाली ताली फरमाते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है वाहफ़ मिलबान